तो दोस्तों हमारा चैनल है डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर वीडियोस जो हम हर हफ्ते एक डिसीज को लेकर मिलते हैं आपके साथ, वो जो है वो हर वीडियो की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा पे। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत से, और आज फिर से एक बार आपके सामने यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ हूँ। एक डिसीज़ के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, वो डिसीज़ कैसे होता है, क्यों होता है और उसके क्या आयुर्वेदा में सॉल्यूशंस हैं, और उसके बाद हम आपको हर बार की तरह एक पेशेंट से मिलवाएंगे कि जो पेशेंट उस डिसीज़ से बाहर निकल चुके हैं आयुर्वेदा के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस रोग की बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही कॉमन और वेल नोन डिसीज़ है जिसको हर पर्सन जानता है। मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज मलाइटस यानी प्रमेह रोग की। डायबिटीज़ आज के वक्त में एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ हो चुका है फ्रेंड्स। हम सब लोग हमारी फैमिली में देखते हैं कोई ना कोई एक दो या किसी किसी फैमिली में 3 से 4 लोग होते हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं। आज पूरी दुनिया में देखने जाए तो पूरी दुनिया में डायबिटीज़ एक बहुत बड़े रोग के स्वरूप में फैल चुका है। और एक चौंका देने वाला आंकड़ा बाहर आया था जिसमें ऐसा बताया गया था कि पूरे हिंदुस्तान की, अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया की 7% पॉपुलेशन, मतलब माने 7% पॉपुलेशन जो है वो लोग डायबिटीज से पीड़ित है आज के वक्त में। और दुनिया में आज इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। दोस्तों डायबिटीज रोग के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे, डायबिटीज रोग किस तरह से होता है, डायबिटीज में होने के कारण क्या होते हैं, डायबिटीज है वो पता कैसे चलता है, और आयुर्वेदा में उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, और किस तरह से हम बगैर मेडिसिन के, डायबिटीज होने के बाद भी बगैर मेडिसिन के हम उसको कंट्रोल करके हम अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं कि डायबिटीज किस तरह से होता है। हमारे शरीर के जो कोष हैं, जो हमारे खुराक में ग्लूकोज जाता है, वो ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन के माध्यम से हमारे कोषों में और मांसपेशियों में प्रवेश करता है, और वो इंसुलिन जो है वो हमारे कोष के जो रिसेप्टर है उनको ओपन करता है और ग्लूकोज जो है वो कोष में प्रवेश करता है। ग्लूकोज जब कोष में प्रवेश करता है तो हमें उससे एनर्जी मिलती है, लेकिन जो हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। पेनक्रियाज में 2 अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, जिसमें जो लैंगरहांस के जो कोष हैं उसमें बीटा सेल्स नाम के जो कोष हैं ग्लूकोज का एंट्रेंस करवाते हैं सेल में। लेकिन ये प्रक्रिया जब स्थगित हो जाती है, इसमें इसके इंटरप्ट होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं, तो वो कारणों की वजह से जब ये प्रक्रिया इंटरप्ट होती है, ग्लूकोज को अंदर एंटर होने नहीं देते हैं और ग्लूकोज जो है वो ब्लड में बढ़ता रहता है और हाइपरग्लाइसेमिया होता है। इस तरीके से डायबिटीज होता है। इस तरह से डायबिटीज मेलाइटस जब हम ब्लड या यूरिन का टेस्ट करवाते हैं तब वो डायग्नोस होता है। अब डायबिटीज मेलाइटस जो है उसके होने के कारण क्या होते हैं? सबसे पहला कारण हम देखने जाए डायबिटीज मेलाइटस का, तो सबसे पहला कारण जो है वो जीनेटिकल माना जाता है। अगर मदर फादर को या फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है तो नीचे बच्चों को हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण हम देखने जाए आज के वक्त में, ये कारण सबसे ज्यादा देखने मिलता है, और वो कारण है हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में ज्यादातर स्वीट या फ्राई फूड, जंक फूड, घी तेल वाला खाना ये ज्यादा खाने में आता है, या तो हमारी लाइफस्टाइल इरेगुलर होती है, लेट खाना खाना, लेट सोना, लेट उठना, टाइम टेबल फिक्स ना होना, ये सारे कारण लाइफस्टाइल में आते हैं, और लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन है डायबिटीज मेलाइटस के पीछे। तीसरा कारण, वो भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, आज की फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और ये इंक्रीज्ड स्ट्रेस लेवल की वजह से डायबिटीज होता है। चौथा कारण, कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयों की वजह से भी डायबिटीज होता है, जैसे सम काइंड ऑफ स्टीरोइड्स का ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सेवन करना, या थायराइड की दवा का, या तो स्टेटिन ग्रुप का, या ऐसी काफी दवाइयां हैं जिसके लॉन्ग टाइम के सेवन की वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। एक और कारण डायबिटीज का है, जिसमें हम फीमेल में देखने जाएं तो प्रेगनेंसी के बाद भी डायबिटीज आता है। ऐसे काफी सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से डायबिटीज होता है। और एक महत्वपूर्ण कारण आज के वक्त में जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से भी देखा गया है कि डायबिटीज होता है।
अब डायबिटीज है वो किस तरह से पता चलता है? इसमें दो टाइप से पता चलता है, इसमें दो प्रकार की कैटेगरी देखी गई है। एक एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब जिनको डायबिटीज है लेकिन उनको डायबिटीज होने के कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो कोई ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं या कुछ इंजरी हुई, कुछ ट्रॉमेटिक इंजरी हुई या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपना ब्लड चेक करवाया या यूरिन टेस्ट करवाया और बाद में पता चला कि इनको डायबिटीज है। दूसरे सिम्टोमेटिक होते हैं जिनके लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षणों में क्या दिखाई देता है? जैसे भूख का बहुत बढ़ जाना, पानी की प्यास का बढ़ जाना, बार बार यूरिनेशन होना, रात में उठ उठ के यूरिन के लिए जाना, दिन में ज़्यादा यूरिन होना और थकान का ज़्यादा महसूस होना। ये सारे कारण अगर दिखते हैं तो डायबिटीज़ का टेस्ट कराने पे वो पॉजिटिव आता है और डायबिटीज़ है वो डायग्नोस होता है। ज़्यादातर लोग जब डायबिटीज़ डायग्नोस होता है तो एलोपैथी की ओर जाते हैं और डॉक्टर्स उनको मेडिसिन शुरू करते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह दवाइयाँ शुरू होती हैं और जिससे शुगर लेवल उनका कंट्रोल में आता है। लेकिन दोस्तों आयुर्वेदा में भी डायबिटीज़ का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताया गया है। डायबिटीज़ आजकल का कोई नया रोग नहीं है, ये सदियों पुराना रोग है और आयुर्वेदा में डायबिटीज़ का भी बेहतरीन सॉल्यूशन बताया गया है। आयुर्वेदा में डायबिटीज़ होने के कारणों में जो मैंने आगे आपको मॉडर्न साइंस के हिसाब से कारण बताए, उसी प्रकार से लाइफस्टाइल को और स्ट्रेस को एक मेन कारण के स्वरूप में बताया गया है। आयुर्वेदा में डायबिटीज़ को हम लाइफस्टाइल और फूड हैबिट में चेंजेस करके भी उसको हम अच्छी तरीके से क्योर कर सकते हैं। आयुर्वेदा में ऐसा बताया है कि जब जठराग्नि मंद होती है उसकी वजह से अजीर्ण होता है, मतलब पाचन की प्रक्रिया डिस्टर्ब होने के बाद, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के बाद ये रोग होता है। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास जो डायबिटिक आते हैं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करवाते हैं उसमें जो ओबेज होते हैं, ओबेसिटी इंड्यूस्ड डायबिटीज मलाइटस होता है जिन लोगों को, तो उनकी हम वेट लॉस की ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेदा से और साथ साथ डायबिटीज़ भी उनका ठीक होने लगता है। डायबिटीज़ में कहीं ना कहीं फैट मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओबेज लोगों को ही डायबिटीज़ होता है, जो ओबेसिटी नहीं होती। तो मैंने जो दूसरे आपको आगे कारण बताए डायबिटीज़ होने के, उसमें से दूसरे कोई भी कारण है वो भी अफेक्ट करते हैं। जब आपको डायबिटीज़ होता है, आपके रिपोर्ट में डायबिटीज़ आया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आयुर्वेद के द्वार पे भी आ सकते हैं। आपके शहर में, आपके नज़दीक में कोई भी अच्छे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट का आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आयुर्वेदा की लाइफस्टाइल, डाइटरी एडवाइजेस और मेडिसिंस को फॉलो करके भी हम डायबिटीज से अच्छी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपको आज के वीडियो के अंत में एक ऐसे पेशेंट से भी मिलवाऊंगा कि जिनको डायबिटीज था, उन्होंने आयुर्वेद की ट्रीटमेंट की और उसके बाद आज वो बगैर दवा के एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और उनका डायबिटीज़ का रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रहा है दोस्तों। और अगर आपको डायबिटीज़ आया है तो आपको मैं कुछ सिंपल हर्ब्स भी बता सकता हूँ कि जिसको आप अपनी एलोपैथिक दवाई अगर आपकी चल रही है तो उसके साथ साथ ये दवाइयों का आप सेवन करेंगे तो वो आपका शुगर लेवल भी डाउन जाएगा और आप धीरे धीरे एलोपैथिक दवाइयाँ आपके कंसल्टेंट डॉक्टर को मिलके उनकी सलाह के अनुसार कम भी कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, डायबिटीज मलाइटस अगर हुआ है तो आपको आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में चेंज किए बगैर, आपकी खान पीन में, फूड हैबिट में चेंज किए बगैर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो कुछ हर्ब्स के नाम मैं आपको बताता हूँ जो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है, जिसमें त्रिफला आप ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण का सेवन आप कर सकते हैं, आंवला अलग से ले सकते हैं, हरिद्रा ले सकते हैं, हल्दी, हरिद्रा माने हल्दी, आंवला और हल्दी के काफ़ी अच्छे गुण हैं कि जो डायबिटीज़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और बीटा सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गुड़ुची यानी गिलोय नाम की औषधि है, अश्वगंधा है, ये दवाइयाँ भी काफ़ी अच्छी कारगर सिद्ध हुई हैं। डायबिटीज़ की वजह से जो हाथ पैरों के तलवों में जलन होती है, वीकनेस होती है, हाथ पैरों में जो दर्द होता है, उसके लिए हम आयुर्वेदा की एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बताया आंवला का सेवन कर सकते हैं, हरिद्रा का सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा एक सुवर्णयुक्त औषधि भी आयुर्वेदा में बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, जिसका नाम वसंत कुसुमाकर रस है। डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो वसंत कुसुमाकर रस का सेवन करेंगे, सुबह शाम एक एक गोली खाने के बाद दूध के साथ ले सकते हैं या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो उसका सेवन अगर 1 से 2 महीने तक किया जाए, मैक्सिमम 3 महीने तक कर सकते हैं, अगर उसका सेवन भी किया जाए
डायबिटीज के पेशेंट्स के जो डायबिटीज के बाद जो उनके शरीर में उसके लक्षण होते हैं उसमें काफी राहत देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज बताया डायबिटीज मलाइटस कैसे होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं और आयुर्वेदा में कौन कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं कि जो आप डायबिटीज है तो उसका सेवन कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं हमारे एक पेशेंट के साथ जिसके एक्सपीरियंस वो खुद शेयर करेंगे और वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे आयुर्वेदा के माध्यम से अपना डायबिटीज ठीक। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज मैंने जिस तरह से आपसे आगे बात की, हमारे पेशेंट यहाँ पे आज मौजूद हैं और ये उनका खुद का एक्सपीरियंस जो आयुर्वेदा मेडिसिन से उन्होंने अपना डायबिटीज को क्योर किया तो वो खुद ही शेयर करेंगे। जी जिग्नेश भाई, आप बताइए। मुझे मेडिक्लेम के लिए मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पर मुझे डायबिटिक होने का पता चला, आया था 8.5 जो ज़्यादा है। फिर मुझे एलोपैथिक में किसी ने बोला, किसी ने आयुर्वेदिक में बोला, लेकिन मेरे एक फ्रेंड मेरे साथ जो वर्किंग है इन्होंने मुझे डॉक्टर सोहेल दलाल का नाम दिया और यहाँ पे उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट किया जिससे मैं आज नॉन डायबिटिक हूँ और वेरी हैप्पी हूँ, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं। अच्छा जिग्नेश भाई, आपने कितने टाइम से मेडिसिन बंद कर दी है? ये करीबन 8-1 महीना हुआ। ओके, अभी रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है? नॉर्मल 5.4, 5.3। अच्छा, उस समय जब आपने मेडिसिन शुरू करी थी वो टाइम पे आप जब आए थे ट्रीटमेंट करवाने, तब आपको क्या लक्षण बॉडी में महसूस हो रहे थे? सर पहले तो जो दवाई मैंने ली वो टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने दवाई चालू की, खाने की हैबिट्स, डाइट प्लान सब कुछ, लेकिन मुझे इतना फ्री लग रहा था जिसकी कोई लिमिट नहीं, मेरा वेट लॉस हुआ, मेरा मुझे अच्छा फील होने लगा। अच्छा, आपने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? यस सर। और कुछ आप कहना चाहेंगे? बस अच्छी जगह है, डॉक्टर अच्छे है, स्टाफ अच्छे है और जो ये ट्रीटमेंट करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे डाइट प्लान है इनका, इनके जो मेडिसिन जो देते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे पेशेंट जिनसे हमने बात की और देखा आपने कि किस तरह से आयुर्वेदा से भी डायबिटीज जो है वो ठीक हो सकता है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 100 में से 40-50% का रेशियो है हमारे पास कि जिसमें लोगों को डायबिटीज जो है वो क्योर हो जाता है और दवाइयों के बगैर भी वो अपनी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट को कंट्रोल करके डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी